हेलो फ्रेंड्स, आपका मोहित शर्मा कार्टून टीवी चैनल में स्वागत है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें। चाय बेचने वाली चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल। रात के 3 बज रहे थे, पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था, जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं कि तभी अंदर से एक औरत अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस स्टेशन पर कोई उतर नहीं रहा, ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही और सबने अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर ली? कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। उसकी बात सुनकर तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, चुप करो, कुछ मत कहो। अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो, वो दोनों चुड़ैल बाहर ही है अभी। तभी उनके आगे वाले वीआईपी डब्बे में एक परिवार होता है जो नैनीताल से अपने गांव सहारनपुर जा रहा होता है, लेकिन एक राघव नाम का लड़का, मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। राघव को वहाँ एक कूड़ा उठाने वाली और एक चाय बेचने वाली के अलावा और कोई नहीं दिखता। तभी उसके पास चाय वाली औरत आती है। चाय, गरम चाय वाली, चाय गरम, चाय वाली साहब, गर्मा गर्म चाय ले लो चाय। अरे सुनो, कितने की चाय है? साहब केवल 10 रुपए की, ऐसी चाय आपने कहीं नहीं पी होगी। राघव अपनी खिड़की से हाथ निकालकर उस औरत से चाय लेने लगता है, लेकिन वो औरत राघव का हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। चुड़ैल राघव का हाथ काट देती है, जिसके बाद कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल उसकी मुंडी काट कर अपने बोरे में डाल लेती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। राघव के चिल्लाने की आवाज सुनकर डब्बे के सभी लोग जाग जाते हैं और ट्रेन के सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं, और ट्रेन के चलने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस औरत को बताता है, ये कुछ महीने पहले की बात है, संबलपुर गांव से दो बहनें रीता और सीता शहर जा रही होती हैं। वो दोनों ट्रेन में बैठ जाती हैं, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है। तभी रीता सीता से कहती है, बहन, अगर चाचा ने हमें अपने घर में नहीं रखा तो हम इतने बड़े शहर में क्या करेंगे? देख बहन, हमें कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं हैं जो हमारी देखभाल कर लेंगे, हमें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। उस स्टेशन पर एक कूड़ा उठाने वाला था और एक चाय बेचने वाला। ट्रेन के सभी पैसेंजर सो गए थे कि तभी सीता रीता से कहती है, बहन बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो चाय पीकर आते हैं। वो दोनों बहनें सुनसान स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाती हैं, जिसके बाद सीता चाय लेने जाती है। वहीं रीता को प्यास लगती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए कूड़ा बिनने वाले से पूछती है, भाई साहब मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिल जाएगा? कूड़ा बिनने वाला उसे बहुत ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, उस कमरे में पीने के पानी की टोंटी लगी है, जाओ पी लो। रीता पानी पीने के लिए उस कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी वो कूड़ा बिनने वाला उसके पीछे पीछे आता है और कमरे का दरवाजा लगा देता है। अरे भाई साहब, ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? पहले वो काम तो कर दूं जिसके मुझे पैसे मिले। क्या चाहते हो तुम, साफ साफ बोलो। रीता बहुत डर जाती है। इतने में वो आदमी एक खंजर निकालता है और उसके दोनों हाथ और उसकी मुंडी काट देता है। रीता वहीं मर जाती है। उसे मारने के बाद वो आदमी चाय वाले के पास जाता है
जब सीता कूड़े बिनने वाले के हाथ में खून से लथपथ खंजर देखती है तो वो डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से चाय वाला उसका मुंह दबाकर उसे वहीं ले जाता है जहां उसने उसकी बहन रीता को मारा था। ये तुम क्या क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बहन को मार दिया। सीता कुछ कहती इससे पहले उस आदमी ने उसके दोनों हाथ और उसकी मुंडी काट दी। उस दिन दोनों बहनें मर जाती हैं। उनकी मौत क्यों हुई आज तक इस बात का पता नहीं चला। सरकार ने भी उन दोनों बहनों की मौत का पता नहीं लगाया, लेकिन उस दिन के बाद वो दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन गईं, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन से उतरने वाले हर एक पैसेंजर के हाथ और उनकी मुंडी काट देती हैं। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो वो दोनों चुड़ैल तो कई लोगों को मार देंगी। हाँ बिटिया, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं संबलपुर गांव से शहर जा रहा हूँ जहाँ वे दोनों बहनें जा रही थीं। शायद वहाँ जाकर मुझे उन दोनों बहनों की मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। वो बूढ़ा आदमी शहर में उन दोनों बहनों के रिश्तेदार यानी उनके चाचा जी के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके चाचा कुछ समय पहले ही गुजर चुके हैं। तभी रीता सीता की चाची उर्मिला उस बूढ़े आदमी से कहती है, बाबा मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन अपने पति को हमेशा किसी बात को लेकर परेशान देखा करती थी, और मरते समय उनकी जेब से ये एड्रेस मिला था मुझे, शायद आपके किसी काम आ जाए। वो बूढ़ा आदमी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसे एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक बाबा मिलते हैं, जो उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, उन दोनों बहनों की मौत उनके चाचा नत्थू लाल ने करवाई थी। वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद गांव की सारी जमीन वो हड़प ले, लेकिन उन दोनों बहनों की मौत के बाद वो दोनों चुड़ैल बन गईं। और नत्थूलाल को रेलवे स्टेशन की कहानी पता चली तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा मेरी मदद करो उन दोनों बहनों को मुक्ति दिलाने में। उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वो ऐसे ही सबको मारती रहेंगी। वो बूढ़ा आदमी तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन लेकर जाता है, और जैसे ही रात के 3 बजते हैं वो दोनों चुड़ैल सामने आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। चले जाओ यहाँ से, ये रेलवे स्टेशन मेरा है, मैं सबको मार दूंगी। हम तो तुम्हें केवल यहाँ तुम्हारी मौत का कारण बताने आए थे। क्या हमारी मौत का कारण? तांत्रिक उन दोनों को उनकी मौत का कारण बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उसके चाचा नाथूलाल की आत्मा को बुलाते हैं, और इसके बाद नाथूलाल गिड़गिड़ाते हुए दोनों चुड़ैलों से माफी मांगता है। बिटिया हमका माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ तुम भी मुक्त हो जाओ। ये सच बात है कि अक्सर अपने ही हमें धोखा देते हैं, लेकिन अब हमारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, हम दोनों मुक्ति चाहते हैं। तभी तांत्रिक बाबा उन दोनों के ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है, जिससे वो दोनों चुड़ैले जलने लगती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।